तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सदर तहसील के जयरामपुर के ग्रामीण आज अखिल भारतीय अम्बेडकर विचार मंच जन कल्याण समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में सदर तहसील पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन कर एसडीएम सदर गौरव कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रति सचिव लाल बहादुर त्यागी ने मीडिया को बताया कि 8 साल से ग्रामीण अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने के लिए अधिकारियों के यहाँ फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे आक्रोशित होकर आज धरना प्रदर्शन को मजबूर हुए हैं और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इससे भी बृहद आंदोलन करने को हम लोग बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। मामला ये है कि जयरामपुर गांव है सिधारी थाना के अंतर्गत, लेकिन आज 8 साल से वहां के दलित बस्ती के लोग, वहां के मूल निवासी के लोग हमेशा एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, मुख्यमंत्री को, कमिश्नर साहब को, तमाम लोगों को लेटर पे लेटर दिए, जाकर के मिले कि ये जो है सुरक्षित जगह है, यहाँ अंबेडकर मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी 1 साल पहले फिर जो है कि दोबारा पूरे शासन प्रशासन को लेटर यहाँ के हमारे नौजवान जयरामपुर बस्ती के तमाम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज हम बहुत छोटे पैमाने पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, माननीय एसडीएम सदर आजमगढ़ को ज्ञापन दे रहे हैं। और अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई, हमारे ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति नहीं लगाई गई, तो इससे बड़ा आंदोलन कई संगठन के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, बहुजन क्रांति के मोर्चा के लोग, भीम आर्मी के लोग, तमाम संगठन के लोग एक होकर के पूरे जिले स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि हमारे अगर सुनवाई नहीं होती है, बाबा साहब की मूर्ति इस अप्रैल से पहले नहीं लगती है, तो हम बहुत बड़े धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम भी हम करेंगे। बाधक बन रहा है मूर्ति लगवाने। बाधक के मतलब कुछ श्रवण लोग हैं, उस गांव के तत्काल एक श्रवण है जो कि उनके पति इसी चकबंदी विभाग में रहते हैं, और वहां के ग्रामीणों का कहना है कि उनके वजह से, श्रवणों के वजह से उस खाली जमीन पे अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने वो लोग दे रहे हैं, शासन प्रशासन को रोक दे रहे हैं। जिस मूर्ति पे आप मूर्ति लगाना चाह रहे हैं, वो मूर्ति किस मद में है या किस जमीन अम्बेडकर पार्क है? वो अम्बेडकर पार्क है, उसका जो है कि उसका लेखा जोखा है, क्षेत्रीय लेखपाल ने भी उसका चिन्हित कर दिया है, उसमें लिख दिया है कि ये सुरक्षित जो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के नाम से ये सुरक्षित है, उसके बाद भी मूर्ति नहीं लग रही है। ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है अंबेडकर की मूर्ति के लिए जो दिया गया है, इसको जहां जहां संदर्भित किया गया है वहां पहुंचा दिया जाएगा अधिकारियों के पास और समस्या का निस्तारण जल्द कराया जाएगा। ठीक, बड़ा आंदोलन के लिए कह रहे हैं तो जल्द नहीं, नहीं आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनको बैठा कर हम देख लेंगे बातचीत करके कि क्या समस्या इनकी है और समय से उसे निस्तारण कर देंगे। यह खबर गाजीपुर से है, जहां ग्राम फरदहा निवासी नगीना जायसवाल ने स्थानीय लेखपाल मनीष मिश्रा व विपक्षी हरिनारायण मौर्य पर आरोप लगाया है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से पुलिस को लेकर विवादित स्थल पर निर्माण करने के लिए पहुंचे। प्रार्थी द्वारा जब आदेश की कॉपी मांग की गई तो उपरोक्त कर्मियों ने कह दिया कि हम लोगों के पास सभी पावर है, डीएम और एसडीएम की कोई जरूरत नहीं है। नगीना जायसवाल ने कहा है कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है और धारा 133 के तहत एसडीएम न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है। उन्होंने उच्च अधिकारी से लेखपाल मानस मिश्र के ऊपर जल्द कार्रवाई कर न्याय की मांग की है। वहाँ पर देखा है? मेरी जगह है, अब मेरी जगह है, आप लगवा रहे हैं, आप बताइए, आपके पास प्रूफ दिखाइए, आप दिखाइए प्रूफ, लगवाएंगे आप गेट लगवा रहे हैं, बोलिए। मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल हम नहीं लेंगे सर, मोबाइल आप मत लीजिए मैम, ये मिले हुए हैं, ये मिले हुए मैम, आप लेडीज, आप लेडीज की गुजारिश समझिए, ये मिले हुए हैं। रोकने का पेपर ले आइए, रुकवा दीजिएगा। रोकने का आप पेपर लाए हैं लगवाने का? रोकने का पेपर है? आप पेपर लाए हैं रोकने का? रजिस्ट्री है आपकी? हाँ, आपकी रजिस्ट्री है। हाँ, आपने सहन में गेट लगा रखा है, क्या इतराज है? मेरा जगह है। कैसे आपका? ये मेरी जगह, जब दीवानी चल रही है, सुनिए मैम, जब ये दीवानी चल रही है तो आप नहीं लगा सकती। हाँ, गली एक गली किसकी है? एक गली पे, मतलब गली पे अगर रहेगा तो गली पे गेट लगाया जाएगा? गली पे कोई आ जा रहा है? हाँ, गली तो पहले गली ही थी जो हमारे ससुर जी ने छुड़वाई थी 4 फुट। वही पेपर दिखा दीजिए। हाँ, वही पेपर दिखा। आप पेपर दिखाइए ना लगवाने का। पेपर दिखाने नहीं आए। चलिए ठीक है, आप लोग लगवा रहे हैं भैया लोग? हेलो, आप लोग लगवा रहे हैं गेट? हाँ, साहब से बात करिए, बोलिए। नहीं, हम सांस नहीं मारेंगे, पहले आप बताइए, आप गेट लगवा। हम नहीं मैम,
आप मैम मेरी बात समझिए, आप लेडीज हैं, ये मिले हुए हैं मैम, मिले हुए हैं लेकिन आप गेट रोकिए, आप अपने कागज दिखा दिए गेट, हम ये आइए कागज दिखाएं, गेट गेट लगवाने का आप कागज दिखाइए, हाँ आप। आजमगढ़ में महिला मोर्चा लगातार सदस्यता अभियान बढ़ाने में लगी हुई है। मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर संचिता बनर्जी द्वारा अब अल्पसंख्यक समुदाय में भी अपनी पैठ जमाने लगी हैं। इसको लेकर निजामाबाद विधानसभा के मिर्जापुर ब्लॉक ग्राम बिजहर मैनुद्दीनपुर में भाजपा महिला मोर्चा डॉक्टर संचिता बनर्जी के नेतृत्व में भारी संख्या में अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त कर शामिल हुए। अल्पसंख्यक महिलाओं ने पीएम मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए डॉक्टर संचिता बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का वचन लिया। भाजपा महिला मोर्चा में इस्मत फातमा, एरम फातमा, सानिया फातमा, नसरा फातमा, नजफ अब्बास, अल्ताफ हुसैन, इमरान, समम फातमा, अरोज फातमा, मोहसिना, मिराज, नाजिक, बुसरा, अलविया, मुबाशिर आजमी, कल्ब हशम, विनोद सिंह, अफजाल हुसैन, इरफान हुसैन, अजधार, मुन्ने राजा, रजा अब्बास, फयाज अहमद, मोहम्मद मेहदी इत्यादि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वही केंद्र सरकार किसान अध्यादेश को सही साबित करने में लगी हुई है। एक तरफ केंद्र सरकार किसानों से वार्ता कर रही है तो वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में कानून लागू करने की बात कर रही है। ऐसे में बीकेयू के वकील व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जहां किसानों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं अब भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसानों के खिलाफ काले कानून लागू नहीं करने के लिए अब वो उज्जैन जा रहे हैं, जहाँ के महाकालेश्वर मंदिर में प्रार्थना करेंगे। किसानों के खिलाफ काले कानून लागू नहीं करने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इन तीन कानूनों के विरोध में भारत सरकार के, वो एक महीने से भी ऊपर हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारतीय किसान यूनियन, जिनका मैं एडवोकेट हूँ, विभिन्न संगठन लोक शक्ति और भानु किसान यूनियन के जो विभिन्न संगठन हैं, जिनकी तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है, इसमें उनकी ये भी इच्छा थी क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि हम इन तीनों कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन, तीनों कानूनों को अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ किसानों और सरकार की वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, ऐसे में उनकी बयान, उनका ये आदेश जिस तरह आग में घी का काम कर रहा है, तो भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों ने मुझसे अनुरोध किया कि ऐसे में क्या किया जाए। तो मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूं, ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के उज्जैन, जो धार्मिक नगरी है, महाकालेश्वर की नगरी है, ऐसे में मैं आज मध्य प्रदेश उज्जैन जा रहा हूं, महाकालेश्वर के शाम को 6 बजे दर्शन करूंगा, आरती में भाग लूंगा और ये प्रार्थना करूंगा भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसा भक्तिपूर्ण प्रेरणा दें, ऐसा रास्ता मार्ग प्रशस्त करें जिससे एक महीने से अधिक से चल रहे किसानों के आंदोलन को समाप्त हो सके, किसानों की मांगे पूरी हो सके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जहां हमारी याचिकाएं दाखिल हैं, वो भी जल्दी से जल्दी सुनवाई करके किसानों के हक में फैसला करें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी और न्याय हो सके, जिससे इस देश के किसानों को, जो इतने दिनों से सर्दी में दिल्ली देश की राजधानी जो सभी की है, उसकी सीमा पर डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल सब कुछ आंदोलन चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है, तो ऐसे में उज्जैन में महाकालेश्वर से प्रार्थना करेंगे केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा रास्ता दें, ऐसा भक्तिपूर्ण मार्ग दिखाएं जिससे कि उनकी मांगे पूरी हो सके, इसलिए आज उज्जैन जा रहा हूं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर इकाई आजमगढ़ के तत्वाधान में सोमवार को कुंवर सिंह उद्यान में पार्टी का 95वां स्थापना दिवस सादगी के साथ कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने पार्टी की स्थापना और संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि गरीब मजदूर मजलूम किसान का हक दिलाने के लिए पार्टी सदैव संघर्षरत रही है। पार्टी स्थापना काल से आज तक किसी प्रकार का सरकार से समझौता नहीं किया गया है। हमारा संघर्ष आगे भी गरीब किसान मजदूरों के लिए जारी रहेगा। आज संघर्ष का नतीजा रहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स स्थापना दिलाकर देश को नई गति दिलाने का काम किया गया था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है देश के हाथों में सरकारी मशीनरी दी जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार के हाथों में बेचने का मन बना रही है, जिसमें बीएसएनएल, ऊर्जा क्षेत्र, हवाई अड्डा, पेट्रोलियम आदि शामिल है, लेकिन पार्टी इसका विरोध लगातार दर्ज करा रही है।
अगर आगे आवश्यकता पड़ी तो इससे बड़ा आंदोलन कर सरकार को घेरने का काम करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सठिया ब्लॉक मंत्री गुलाब मौर्य व संचालन नगर मंत्री अशोक कुमार राय ने किया। इस अवसर पर कुमार राज, सुरेंद्र यादव, राम अवध यादव, देवेंद्र तिवारी, रामनेत यादव, रामवदन यादव, रामलखन राजभर, सुनाकी देवी पाल आदि मौजूद रहे। ये किसान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के बैठक हो रही है, जिसके हमारे जिला मंत्री, नगर मंत्री कामरेड अशोक राय हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुए कितने दिन हो गए? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुए 95 साल पूरा हो गया, और 95 साल में कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में प्रथम सम्मेलन में तय किया था, जो कानपुर में हुआ था 1925 में मौलाना हसन मोहानी की अध्यक्षता में। उसमें तमाम देश के जाने माने मार्क्सवादी उस समय शामिल हुए थे, और उस समय मौलाना हसन मोहानी अखिल भारत ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, जिसकी स्थापना 1920 में पटना के अंदर हुई थी मौलाना हसन मोहानी की। जिस सम्मेलन में तमाम लोग आए थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन हुआ था, और उसमें दो लक्ष्य पार्टी ने तय किया था। पहला लक्ष्य तो ये था कि देश को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त कराया जाए। दूसरा लक्ष्य पार्टी ने तय किया था कि आज़ादी के बाद देश के अंदर शोषण विहीन समाज की स्थापना की जाए। समाजवाद से साम्यवाद की तरफ भारत बढ़ेगा, इसलिए कि देश में कमाने वाले आज लूटे जा रहे हैं, और जो नहीं कमा रहे हैं तिकड़म करके, इधर उधर तीन तिकड़म करके लूट रहे हैं देश को। कमेरा वर्ग परेशान है, चाहे वो संगठित मजदूर हो, असंगठित मजदूर हो, चाहे किसान हो, और देश का पूंजीपति इस देश को लूट करके मालामाल हो रहा है। इसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने तब भी लड़ा था, और आज भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार इस देश के अंदर किसानों मजदूरों का राज कायम करने के लिए लड़ रही है। वर्तमान सरकार उसी पर हम रणनीति करने के लिए आज यहाँ स्थापना दिवस के साथ साथ अपनी समीक्षा भी करेंगे, और कैसे देश के अंदर किसानों मजदूरों का राज लाया जा, कैसे मजदूर वर्ग की सत्ता बनाई जा, कैसे किसान और मजदूर मिल करके इस देश के दो पहिए जो हैं किसान और मजदूर, ये सरकारें पूंजीवादी साम्राज्यवादी सरकारें फासिज्म की तरफ बढ़ रही हैं, और इस देश में धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रही हैं। जबकि आज़ादी की लड़ाई में कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम इस सिख ईसाई ये सब हैं आपस में भाई भाई, ऐसी आज़ादी की लड़ाई लेकर के बहादुर शाह जफर ने 1857 में जहाँ एक तरफ हमारे देश के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई थी, तो वहाँ दूसरी तरफ बेगम हजरत महल थी, जहाँ एक तरफ तात्या टोपे थे, वहीं मुजफ्फर हसन थे, ये तमाम लोग फांसी पर चढ़ाए गए अंग्रेजों ने। फिर हमारे ज़िले में जिस पार्क में आज हम किसान सभा ये कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस की बैठक कर रहे हैं, ये शहीद कुंवर सिंह के नाम पर है, जो 1857 में आजमगढ़ को आज़ाद करा लिया था। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र के जोकहरा ग्राम पंचायत के पुरवा बरियापार गाँव में अज्ञात कारणों से लगी आग से 3 गैर रिहायशी मड़े जल गई। आग बुझाने में गृह स्वामी दो लोग मामूली रूप से झुलस गए, जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है। मंडई में रखा भूसा, अनाज, चारपाई, बिस्तर, 3 साइकिल, एक ठेला एवं लगभग 70,000 रुपये की लागत से भैंस बुरी तरह झुलस गई। आग देखते ही देखते धू धू कर जल गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाई गई। वही आग बुझाने के प्रयास में दीप नारायण यादव एवं बालकिशन बुरी तरीके से झुलस गए, जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी मदन गुप्ता ने आग लगने का मुआयना किया। ग्रामीणों के अनुसार आग अज्ञात कारणों से लगी है एवं यह आग लगाई गई है कारण कि मंडई में अलाव भी नहीं जल रहा था।